अभी हमारा पानी पूरी आया, बकरी लेते हैं, बकरी डन कराने के बाद हमारी बकरी वापस चली गई। वेलकम बैक टू माय चैनल। इट लुक्स सो वियर्ड और साउंड सो वियर्ड टू से दैट अगेन। खैर जो है आज हम जा रहे हैं इम्तियाज़, अम्मी को कुछ काम है वहाँ से और मुझे पापा के लिए फादर्स डे का गिफ्ट लेना है क्योंकि कल फादर्स डे है और मेरा बजट बहुत लो है क्योंकि गरीबी में जीना कला है, मेरे पास पैसे नहीं बचे हैं। बट खैर लेट्स सी व्हाट आई डू। और उसके बाद हम शायद आज रात अगर हमें टाइम मिला तो मंडी जाएं क्योंकि पापा को कुर्बानी का बकरा लेना है, वो हमने अभी तक नहीं लिया, हमने आज का इंतज़ार किया था तो आज हम जाके वो भी शायद लें। और फिर कल है हनी की बर्थडे, कल है फादर्स डे और कल हमें दो तीन और काम भी हैं, तो मैं सोचा इन दोनों दिन का अगर मैं व्लॉग बनाऊँ तो इट विल बी नाइस। सो यस स्टे ट्यून्ड। और पता नहीं मैं इतने टाइम बाद क्यों फिर से व्लॉग बना रही हूँ, मुझे पता भी नहीं है कि मैं इसके बाद बनाऊँगी या नहीं, बट खैर ओके लेट्स गो। मुझे कहा तुम तैयार हो जाओ, हम गुलमार्ग जा रहे हैं क्योंकि अम्मी को गुलमार्ग में कोई काम है दुपट्टों का, दुपट्टे आई गेस बनवाने कुछ करने हैं तो हम जा रहे हैं गुलमार्ग। मैं सनस्क्रीन लगाना भूल गई, मैं जाके सनस्क्रीन लगाऊंगी। बस अब हम जाएंगे गुलमार्ग, अम्मी को कुछ काम है क्योंकि अम्मी का कल नया नया जो दुपट्टा अम्मी ने लिया था जल गया, वो जल गया। तो हम जाएंगे जेमल के लिए चूड़ियाँ लूंगी, सारा के लिए चूड़ियाँ लूंगी, झुमके लूंगी। सारा क्या कह रही थी, मेहंदी गोल्ड मार्क घर के करीब हो गए तो हर दूसरे दिन अम्मी मुझे लेके जाती है, वो भी ऑटो नहीं कराती, कहती वॉक करो, अच्छी बात है, चीजें मिलती हैं, सस्ती चीजें मिलती हैं, महंगी नहीं, और चीजें अच्छी होती हैं और इतना अच्छा वॉक भी हो जाता है। इतनी गर्मी है, थप्पड़ मार रही है, थप्पड़ मार रही है। इसका रोजा है तो इसे लग रहा है, मेरा नहीं है रोजा। गर्मी का दुपट्टा चला गया, आए हैं चूड़ियां लेने, मैंने अपनी ले ली है, सारी शॉपिंग हो गई है और अब हम जा रहे हैं घर, घर से मैं जाके नहाऊंगी, यहाँ से लेंगे। अरे मैंने सारा को बोला इफ्तारी जब लग रही थी इतनी खूबसूरत लग रही थी कि तब मेरा फोन लाओ मैं वीडियो बनाऊं, सारा नहीं लाई, रोजेदारों से ज्यादा सारा को हाँ भूख लग रही थी, इतनी जल्दी जल्दी में जाके कितनी नहीं मिला। खैर हम अम्मी ने मेरे लिए पास्ता बनाया, कस्टर्ड बनाया, रोल समोसा बनाया, फ्रूट्स डले अभी अम्मी डले और हमने लस्सी भी लस्सी मैंने दो ग्लास भी किया, मैंने कहा खराब हो गई। खैर यस इज व्हाट आई एम वेयरिंग आउटफिट और शायद यहाँ से हम मंडी भी जाएं। इसको अभी हम इम्तियाज से अपनी पूरी शॉपिंग करके आए हैं, मुझे लगता है मैंने एक घंटा भी व्लॉग नहीं किया वहाँ पे। मेरे घर वाले जो है अद्दी से बात कर रहे हैं, गुलबानों से बात कर रही हैं और वो अम्मी को कह रही हैं आप जाओ मुझे मुंह देना। हम आए हैं बलोचाइस क्योंकि पापा ने कहा एस पापर पापा, यहाँ पे रोल मिलते हैं, अम्मी सारा जी हम सब। ये अभी हमारा पानी पूरी आया हुआ है, अब हमारे रोल्स पापा कह रहे तुम दुनिया से अलग हो, हमारे रोल्स आ गए हैं। इसका मैंगो आइसक्रीम बलोचाइस का बहुत मजे का था और मैंगो शेक भी खत्म, तो मैंने अपने लिए मैंगो आइसक्रीम मंगवा लिया। दिस इज वेरी रैंडम बट हमने मछली ले ली, पापा ने ले ली जिंदा मछली ले ली, मतलब दो मिनट बंद करो वीडियो तो दो मिनट बाद हमारी जिंदगी में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऐसा हो जाता है, गोल माल लाइफ। हम बकरा मंडी तो आ गए लेकिन यहाँ पे बहुत गंदी बदबू है, गाइस लुक बकरी की पिक्चर ले मम्मी यहाँ पे तो एक भी औरत नहीं दिख रही है, लक्स की खुशबू करते हर जगह जानवर की बात तो सही है, हर किसी के पास देखो टैंकर में तीन तीन बकरियां और चांद तक आ रहा है। हम बकरी ले रहे हैं, अभी बकरी ही बकरी है और हर कोई भागने की कोशिश कर रहा है।
बकरिया इतनी जिद कर रही हैं, इतनी जिद कर रही हैं। अभी तीन बकरिया साथ में थी, वो गलती से उनका कान छूटा, वो तीनों भाग गए। ये डार्क सर्कल वाली है और ये भाग गई अभी दूसरों के घर में। यहाँ पे बकरिया रीस्टॉक हो रही अभी तक देख ही रहे हैं क्योंकि समझ कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि पापा का भी फर्स्ट टाइम है। सारा कब से इतना डर रहे हैं, अम्मी खुद भी डर रही है, अम्मी खुद भी डर रही है। एक बकरी ने भी अभी तक कुछ नहीं किया, बस अम्मी डर रही है सारा के साथ। अम्मी सारा कब से मुझे कहते हैं नहीं चलो उधर, चलो चलो इधर से, मुझे इधर ले आए हैं। सारी बकरियों में ये क्या कर रहा है कोई मुझे बताए प्लीज। आगे निकल गए इन दोनों की पड़ी, ये लोग आगे नहीं जा रहे। पापा ओ ये रे पापा, लेकिन वो आगे निकल गए थे। खैर उसको अपने घर लेके जा रहे हैं, वी सिक्योर्ड इट, बट ये तब वो है ठीक है, ये जा ही नहीं रहा बेचारा है कि सैड अपना घर छोड़ कर जाने के लिए। मम्मी पापा मुझे पीछे छोड़ गए हैं बकरियों के साथ, आई डोंट नो व्हाई। पापा को बकरी की टांग नहीं पसंद आई, क्योंकि थोड़ी सी खराब थी, तो हमने बकरी डन करी थी, गाइस खराब नहीं थी। बकरी डन कराने के बाद हमारी बकरी वापस चली गई, हमने नाम रख दिया, सब हो गया, फिर भी बकरी को पापा ने नहीं दिया। अब मैं दुख में हूँ। व्हाट हैपेंड वाज कि बकरा मुंह लगा हाथ में नहीं आया। हाँ हाथ में आया, मुंह नहीं लगा। सारे कंछू भी डरे गए ना, तो हुआ ये बकरी नहीं आएंगे हम। I'm sad, मैंने अपने उनको पता है सारे घर फहद को। मेरे शोहर कह रहे हैं बिना बेटों के मैं नहीं लूंगा। तो खैर हमने बकरी नहीं ली, मतलब आई आई गाड़ी तक आई, फिर पापा ने भी पापा ने कहा लंगड़ी है, हमने नाम भी रख दिया, हमने सब कर दिया। जयमल ने नाम, खैर नसीब नसीब की बात है, हमारी जो मछलियाँ हैं हम उससे खुश हो जाते हैं, कोई बात नहीं, कल आएंगे इंशाल्लाह अब लेने। The next morning. मैं सुबह उठी, मैं रात को सो गई थी, फिर मैंने व्लॉग बनाना भूल गई क्योंकि मुझे नींद आ रही थी बहुत। तो आज मैं उठी, अम्मी ने कहा जाके तैयार हो जाओ, मैं कब से तैयार हूँ लेकिन ये लोग निकल ही नहीं रहे थे, तो फिर मैं फिर से सो गई। हम अभी निकले हैं, हम पहले जाएंगे खाना खाने, फिर जाके फ्लावर्स लेंगे, फिर जाएंगे हनी के पास, क्योंकि आज हनी की बर्थडे है, और रात को शायद अद्दी और नूरी भी आए। तो हम पहले फ्लावर्स लेने आएंगे, पर हम भी फ्लावर्स लेने आए हैं। पापा समझा रहे हैं कि हमें कैसे फ्लावर्स चाहिए। हमने ये गेंदे वाले फूल ले लिए हैं, वो मुखिया ले लिया है, और ये मम्मी पापा नहीं कौन कौन से फूल लेते जा रहे हैं। फूल लश तैयार होकर आई हैं, चूड़ियाँ पहनी हैं, बनाई हैं, ये हनी की बर्थडे है, ये हनी वाला रिंग मैंने पहना हुआ है जो हनी ने मुझे गिफ्ट दिया, चूड़ियाँ पहनी, न्यू जूते, न्यू कपड़े हैं, आज ईद बनाई है ना मैंने। हाँ बहुत सारे फूल ले लिए, पता नहीं कौन कौन से हैं बट ले लिए। अब हम जाएंगे हनी के पास, नहीं खाना खाने शायद। पहला सीजन चल रहा तो हर तरफ ये चाकू तेज करने वाले और ये सारे लगे हुए हैं, इतना रश हो रहा है इधर। हम मिठाइयाँ ले रहे हैं, बहुत मज़े मज़े की हैं सारी। स्क्वायर्स पे हम सोच रहे हैं क्या ऑर्डर करें, सारे ने तो कहा वो पास्ता ही मंगवाएगी, अम्मी कुछ डिसाइड नहीं कर पा रही, पापा को बर्गर खाना। सारा मेरे कैमरे में अच्छी आ रही है थोड़ी सी मैं हूँ अच्छी नहीं, शक्ल नहीं। अच्छा ठीक है। अम्मी ने जो कॉफ़ी मंगवाई है, अम्मी का कॉफ़ी आ गया, क्रोसों पापा का वो घटिया कड़वा सा कॉफ़ी। अम्मी इधर भी पता नहीं किसकी वॉइस में, मेरी बहन की सुन रही होंगी, जहाँ जाती हूँ मेरी बहनों से बातें कर रही होती हैं। आ गया है, पापा ने बर्गर ऑर्डर किया, मैंने अम्मी ने पार्मेजान चिकन, और सारा ने अल्फ्रेडो पास्ता, और हमारे ड्रिंक्स आ रहे हैं। खाना वाना खा लिया है, एंड वी हैव सिक्योर्ड द गुड्स, अब हम जा रहे हैं हनी के पास। यस, और आज मौसम अच्छा, मतलब सुबह से इतनी गर्मी है, इस वक्त आजकल मौसम अच्छा हो रहा है, कल भी इसी वक्त अच्छा हुआ था, बादल दिख ही नहीं रहे। इस क्लिप के बाद मैंने हनी के पास कोई व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि पापा का एक स्ट्रिक्ट रूल है कि वहाँ पे हम फ़ोन नहीं लेके जा सकते,
तो बस हम नहीं लेके गए फ़ोन। इसके बाद फिर हम जब घर गए तो अद्दी और गुलबानो आए थे हमारे घर पे। गुलबानो के लिए एक छोटा सा ईद बास्केट रेडी किया है। ये बो है, क्लिप्स हैं, ये कोई डॉल वाला सेट है, चॉकलेट है, चूड़ियाँ हैं। चलो हम उनको गुलबानो को देते हैं। गुलबानो को मेरा गिफ्ट बहुत पसंद आया कि इसका मूड इतना गंदा था, अच्छा हो गया। मुझे कह रही है चुप करो, ये गिफ्ट तुम्हें किसने दिया है? आपको बो लगाऊं? आपको बो लगाऊं? अद्दी ने लिया है, अद्दी को अच्छा नहीं लग रहा। काश मैं आपको इसका मुंह दिखा सकती। अभी पापा और फहद भाई जो है बकरी लेने गए थे और उनको अच्छी खासी बकरी मिली। गाइस लुक एट इसका सींग, मक्का सारा को डर लग रहा है। गुलबानो मैडम जी आई हैं, इसको बहुत डर लग रहा है। गुलबानो बकरी को गाइस करी पत्ता खिला रही है। लाओ करी पत्ता दो। सैड बकरी, आपको क्या लगता है बकरी सैड? व्हाट द डिफरेंस? देखें दोनों काले काले। पापा नए नए पत्ते ला रहे हैं बकरी को खिलाने के लिए। पापा गुलबानो कह रही है करी पत्ता खिलाओ इसे। माशाल्लाह हमारा गार्डन देखो कितना ग्रीन ग्रीन लग रहा है। मैंने लगी लास्ट टाइम जो अपने घर का ब्लॉग अपलोड किया होगा वो किया होगा जब हम शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन ये देखो माशाल्लाह से हमारा गार्डन तक ग्रीन ग्रीन लग रहा है। के बज रहे हैं 3 और अद्दी ने हमारे लिए मेहंदी इस वक्त भिजवाई है, तो हम दोनों बहनें मेहंदी पे लग, पहले हमने लड़ाई की, फिर अभी ये डिसाइड हुआ, नहीं पहले हमने ये लगाया, फिर हमने ये लड़ाई की कौन कौन सा लेगा। फुल 36 का आंकड़ा चला, सारा रोने लग गई। गाइस इसने मेरे पूरे हाथ गंदे कर दिए। मैंने नहीं किए इसके हाथ गंदे, इसने खुद किए अपने हाथ गंदे। अगर मेहंदी लगानी नहीं आती ना तो मत लगाए। तुम मुझे ही कह रही थी लंबी नहीं, वो बकरी लंबी नहीं। चलो दूसरा लगाओ। अब इसी को ही मेहनत करनी पड़ी है इसको निकालने में। अब लगाओ मेरे हाथ पे। हम गाने सुन रहे हैं और सारा मेरी मेहंदी कंप्लीट कर रही है यहाँ के। जीना हराम कर सारा कह रही है मेरा तकिया खराब ना हो जाए तुम्हारी मेहंदी से। ले सारा का तकिया ऑलरेडी जला हुआ। हम सुन रहे हैं दिले नादान। सारा ऑन करो दिखाओ। उप्स, मेहंदी के खराब कर रही है। हमने सुन रहे हैं दिले नादान। लग गए इसकी ओरेक्टिंग जरूरी है। लेट्स गो गाइस। अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और जो है मैंने व्लॉग एडिट कर दिया है, तो अभी मैं जा रही हूँ सोने। कल है ईद का दिन इंशाल्लाह। अगर मुझे याद रहा तो मैं ईद के तीनों दिन व्लॉग बनाऊँगी, अगर मुझे याद रहा। मैंने फजर की नमाज़ पढ़ ली, सारा को पढ़ा के सुला दिया, मैंने बस एडिट करना था। खैर अब मैं एडिट करके सो रही हूँ। ये मेरी मेहंदी है जो ये टर्न आउट हुई है, ये अच्छी लग रही है। बस मैं अभी फिंगर्स में ना थोड़ा बहुत कुछ करूँगी इस हाथ की। ये जो है को ये मिट गया। खैर ये भी है, ये मैं सही करूँगी। खैर गुड नाइट, आई एम स्लीपिंग, मुझे बहुत नींद आ रही है। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और अगला व्लॉग पता नहीं कब आए ये मुझे नहीं पता, बट इंशाल्लाह मैं अपलोड करूँगी व्लॉग्स। बाय बाय।